दिस इज प्रीति गुप्ता एंड वेलकम टू माई चैनल स्कूल टाइम एंड टूडेजिक लाइफ साइकिल के बारे में इसके पहले हमने वुल के बारे में पढ़ा था वुल भी एक नेचुरल फाइबर है और जब हम बात करते हैं सिल्क की तो सिल्क भी एक नेचुरल फाइबर है सिल्क भी हमें एनिमल से ऑप्टेन होता है सो तो ये एनिमल फाइबर है सो so, आज हम पढ़ेंगे सिल्क वॉर्म के लाइफ साइकिल के बारे में So, uh, ये जो फिल्क का लाइफ साइकिल होता है उसमें वेरियस स्टेजेस होते हैं और इस स्टेज को पूरा करने में फिल्क मोत को अबाउट सिक्स टू एट वीक लग जाता है तो सबसे पहला वीक स्टेज uh, ये होता है कि इसमें जो फीमेल मोत होती है वो मलबरी लीव पे क्या करती है टीनी एक्स को लेस करती है टीनी एक्स को लेव की ओके एंड अबाउट टू वीक्स ये एग हैच हो जाते हैं और टीनी लार्वा इसे बाहर निकलते हैं जिसे कैटर पिलर भी बोलते हैं और लार्वा भी बोलते हैं ये टीनी कैटर पिलर जो होते हैं वो क्या करते हैं मलबरी लिप्स को अब खाने लगते हैं मलबरी लिप्स को खाने के बाद इनका साइज जो होता है ग्रो हो जाता है अब इन थ्री टू फोर वीक थ्री टू फोर वीक में इनका साइज क्या हो जाता है ग्रो कर जाता है तो ये क्या बन जाते हैं लार्वा अपने फाइज में ग्रो हो गया देन ये सिक्रीट करते हैं एक फाइबर जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है और एयर से एक्सपोज होने पे वो हार्ड हो जाता है और इस फाइबर से वो अपने आप को पूरी तरह से जाल में लपेट लेते हैं अपने अराउंड में पूरी तरह से जाल बना लेते हैं इस फाइबर का तो ये जो फ़ाइबर होता है यही सिल्क होता है तो उसके अंदर क्या होते हैं लार्वा पाए जाते हैं अब ये लार्वा कोकून में चेंज कितने ज... टाइम से होता है अब ये लार्वा थ्री टू सेवन डेज में ये अपने आप को कोकून में कन्वर्ट कर लेते हैं जब कोकून में कन्वर्ट हो गए तो उसके, उसके अंदर लार्वा जो है वो चेंज हो जाता है प्यूपा में में चेंज हो जाता है और जब ये कोकुन खुलता है जब ये कोकुन खुलता है तो फिर उससे अडल्ट मोत बाहर निकलता है तो ये प्रोसेस होता है सिल्क वॉम के लाइफ साइकिल का सबसे पहले क्या होता है सबसे पहला स्टेज ये होता है कि ये जो फेमल ये जो फेमल मोत होती है वो मलबरी लिप्स पे एक को लेस करती है ओके देन ये एग्स हैच हो जाते हैं और कैटरपिलर बाहर निकल आते हैं ये कैटरपिलर पिलर मरवरी लिप्स को खाते हैं और इनका साइज क्या हो जाता है ग्रो हो जाता है देन ये सिक्रीट करते हैं क्या सिक्रीट करते हैं ये फाइबर को सिक्रीट करते हैं जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है जो कि एयर से एक्सपोज होने के बाद हार्ड हो जाता है और ये पूरी तरह से अपने आप को उसके वेब में अपने चारों तरफ पूरी तरह से उसका वेब बना लेते हैं और फिर क्या होता है की इसके अंदर ही जो ये लार्वा होता है ये जो लार्वा का फॉर्म होता है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है देन उसके बाद फिर आफ्टर जब ये कोकुन खुलता है तो इससे अडल्ट मोत बाहर निकलता है तो ये है लाइफ साइकिल जिसको पूरा होने में कितना टाइम लगता है सिक्स टू एट वीक तो अब थॉरोली के बारे में पढ़ते हैं सिल्क द सिल्क फाइबर आर डेराइव फ्रॉम सिल्क सिल्क फाइबर जो है सिल्क वॉम से डराइव होता है इट इज़ द एनिमल फाइबर ये क्या है एनिमल फाइबर है सिल्क इज प्रोड्यूस बाई मोथ कॉल्ड सिल्क मोथ सिल्क जो है एक मोथ के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं सिल्क मोथ बोलते हैं द साइंटिफिक नेम फॉर द सिल्क प्रोड्यूसिंग मोथ इज बॉम्बिक्स मोरी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन के व्यू में साइंटिफिक नेम को पूछ लेता है तो यहाँ साइंटिफिक नेम क्या है सिल्क मोत का बॉम्बिक्स मोरी ईवी है याद करने के लिए द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन इज कॉल्ड फेरी कल्चर अब फेरी कल्चर क्या है फेरी कल्चर क्या है द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क सिल्क के प्रोडक्शन के लिए जब हम सिल्क वॉर्म को क्या करते हैं पालते हैं उनका ब्रीडिंग कराते हैं सारी चीज को मैनेज करते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फेरिकल्चर ये क्या है फेरीकल्चर कहलाता है तो हम आते हैं अब लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ सिल्क मोथ के लाइफ साइकिल पे आते हैं द लाइफ स्पैन ऑफ सिल्क worm इज only अबाउट टू मंथ कितने मंथ का होता है इनका लाइफ स्पैन ओनली अबाउट टू मंथ द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म है फोर स्टेज मेन स्टेज है एग सिल्क वॉर्म प्यूपा और कोकुन और मोथ। तो इस फिगर में देखेंगे सबसे पहले क्या होता है ये जो अडल्ट फीमेल मोथ होता है इसको लेस करती है मलबरी लिप पे फिर ये टीनी कैटरपिलर जो मलबरी लिप्स को खाते हैं लार्वा में कन्वर्ट उनके साइज में ग्रो हो जाता है देन ये कन्वर्ट हो जाता है एक फाइबर को सिक्रीट करता है अपने चारों तरफ उससे वेब बना लेता है और अंदर का जो लार्वा है कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में और आफ्टर दैट जब ये कोकून खुलता है तो अडल्ट मोत बाहर निकलता है तो ये क्या है लाइफ साइकिल है सिल्क का। फीमेल सिल्क मोथ लेक ऑन लीव ऑफ मलबरी ट्री फीमेल सिल्क मोत जो होते हैं एक को लेव करते हैं मलबरी ट्रीप द form worm फॉर्म वॉर्म लाइक about 20 डेज ट्वेंटी डेज के बाद एक हैच हो जाता है और वॉम निकलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं कैटरपिलर और लार्वा। द लार्वा ऑफ सिल्क मोत हरकोल्ड कैटर कैटरपिलर और सिल्क वाम ये जो लार्वा होते हैं सिल्क मोथ के उसे हम कैटरपिलर भी बोलते हैं या फिर सिल्क वम्स बोलते हैं फॉर अबाउट सिक्स वीक द सिल्क वामर कंटिन्यूसली फेड ऑन फाइनली चॉप मलवरी लीव्स अबाउट सिक्स वीक्स ये सिल्क वाम क्या करते हैं कंटिन्यूसली खाते हैं मलवरी लीव्स को ड्यूरिंग दिस स्टेज दे ग्रो इन साइज एंड देयर ग्लैंड दैट प्रोड्यूस सिल्क डेवलप और इस स्टेज में क्या होते हैं उनके साइज में वो बढ़ जाते हैं और उनमें जो ग्लैंड है जिससे वो सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं वो डेवलप हो चुका होता है वेन द सिल्क वम इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज डेवलपमेंट कॉल्ड प्यूपा और जब सिल्क वम क्या हुआ अपने नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं उस स्टेज को प्यूपा प्यूपा बोलते हैं इट्स फर्स्ट वीव अ नेट टू होल्ड इट्सल ये क्या करते हैं नेट बना लेते हैं और अपने आप को क्या करते हैं नेट के अंदर आ, इस फिगर में देखेंगे वो फाइबर से क्या करते हैं अपने आप को अपने अराउंड में चारों तरफ नेट को वीव कर लेते हैं इट्स स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर एट फिगर एट वाइल्ड स्विमिंग देड इट्स मैन ऑफ दिल्क विक्रीट और वेट स्टिकी सब ये अपने हेड को स्विंग करते हैं तो सिल्क वॉर्म क्या करता है सिक्रीट करता है वेट स्टिकी सबस्टाम्स को दिस सब्सटाम्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन और वो क्या होता है प्रोटीन का बना हुआ होता है विच हाड एन ऑन एक्सपोजर टू द एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर दिस कवरिंग इज नोन एज खोकून तो क्या होता है जब इनके साइज में ग्रो हो जाता है जब इनका साइज बढ़ जाता है तो ये क्या करते हैं एक स्टिकी सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं जो प्रोटीन का बना हुआ होता है और एयर के एक्सपोज में आने पर वो हार्ड हो जाता है और उससे वो क्या करते हैं वीव कर लेते हैं अपने और चारों तरफ जो है एक नेट बना लेते हैं जाल बना लेते हैं When the pupa develops fully into adult silk moth, then cocoon splits up and beautiful silk moth cleave comes out. और क्या होता है, जब ये pupa पूरी तरह से develop हो जाता है, तो वो cocoon खुलता है और उसे beautiful silk moth बाहर निकलता है. The adult silk moth then lays more eggs. In this way, the life history of silk moth is complete. और ऐसे क्या होता है, silk moth का life history complete होता है. इस figure में दिखाया गया है. मौत को सो आई थिंक दीज वॉल टॉपिक्स आर क्लियर बट अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें थैंक यू